उत्तर प्रदेश का, भारत का। हम देखिए महीने दो महीने समय देते हैं, लेकिन हम लोग देखिए 25 दिन मेहनत किए क्या हुआ, और कुछ नहीं किए, हल्का फुल्का एक टेलर था। अब पूरा आंधी तूफान हम लोग तैयारी बना के देंगे, लखनऊ की पब्लिक नहीं झेल पाओगे आप, इसलिए हमारी मांगों को ध्यान दिया। इस बार वो तड़का देंगे कि आप झेल नहीं पाओगे। ये तो थोड़ा सा था, ये तो ट्रेलर था मेरे भाई, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि हमसे मत टकराओ, हमारे लोगों को न्याय देना शुरू कर दो। सत्ता में बैठे जो तुम्हारे गुंडो हैं और जो तुम्हारे जो तुम्हारे गुंडे हैं, उनको समझा दीजिए कि इस समाज से लड़ने का काम ना करें। अरे जब मुगल नहीं लड़ पाए, अंग्रेज नहीं लड़ पाए, आपकी क्या औकात है? पहले की बात अलग थी, हम संगठित नहीं थे, आज हम सब संगठित हो रहे हैं और कहीं भी जाते हैं आह्वान कर देते हैं, 400-500 लड़के तो ऐवे इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप इस ताकत को समझिए, आपके जो घटक पार्टी के दल हैं वो हमारी कवायद करने लगे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे हमारे ये जो आपको बहुत बड़े राजा बनते हैं, हमारे राजा भैया, सब लोग हमारी कवायद शुरू कर चुके हैं। आप भी आ जाइए, नहीं तो यहाँ से भगा दिए जाओ। सबका सम्मान है, बात नहीं। आप ये देखिए, मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से बिल्कुल कहूँगा उत्तर प्रदेश पे ध्यान दें, और हमारे जो मांग पत्र है उसको तत्काल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में सर्व समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से रुठता जा रहा है। और ये देखिए शुरुआत है, हम लोगों ने अवगत करा दिया है, बाद में हमारे समाज की सर्व समाज की गलती मत दीजिएगा, क्योंकि विधानसभा पूरा लखनऊ किस तरफ से बंद होगा हम नहीं बता पाएंगे। तो मांगों को रद्दी ना समझा जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है, मांगों को मांगे रखें। ये ज्ञापन नहीं है, ये ज्ञापन नहीं, उन परिवारों की व्यथा है जी, उनका दुख है, आप इसको हल्के मत लेना। ये किसान यूनियन या कोई ऐसा वैसा नहीं है, हम लोग पैसों के लिए काम करने वाले लोग नहीं है, सर उठा के आँखों में आँखें डाल के बात करने वाले आदमी हैं। तो हम आपको इतना ही बताएंगे, इस ज्ञापन को हल्के मत लेना। अभी 2024 चल रहा है, ये लड़के लग गए, दो चेहरे जो दिख रहे हैं लड़के लग गए, तो 27 में हमने अभी साइकिल पंचर की थी पिछली बार, इस बार हम फूल को डाउन कर देंगे, सीधी बात, बिल्कुल को डाउन कर देंगे। 100 साल का सूखा ले लेगी, 100 साल का सूखा। ये 35 साल आप यहाँ नहीं आए, अगले 350 साल इस उत्तर प्रदेश की धरती पे आपका फूल नहीं खिल पाएगा, फिर हमसे मत करिए। कांग्रेस को याद कर लीजिए, कांग्रेस आई नहीं अभी उत्तर प्रदेश में, तो मत बयान ना लीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, दो बार तुम केंद्रों में आयो और पासी जिनके पीछे चले जाते प्रधानमंत्री तक बना थे। तो ये सारी चीजें हैं, मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, जो राजपासी परिवार पासी परिवार है, अवध का, उत्तर प्रदेश का, भारत का। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मजबूर मत किया जाए, नहीं तो जिस दिन आप लोग संविधान को खत्म कर दोगे उस दिन पासियों की लाठियां अपने घरों से बाहर आना चालू है। खत्म करना हो खत्म करिए, हम लोग योद्धा थे, योद्धा हैं, योद्धा रहेंगे। अभी पत्र कलम का सिस्टम चल रहा है, संविधान के साथ में हम चल रहे हैं, संविधान को मानते हुए आज इको गार्डन में बैठा हो। अगर संविधान से बात नहीं बनी तो लाठी डंडा जो हमारा पेशेवर था, तलवार लेके भी पहुंचेंगे, अगर न्याय नहीं मिलेगा संविधान से, मशाल लेके, मशाल लेके मार्शल समाज का आदमी अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो घरों को नस्ते नाबूद करेगा, उनको जलाने का काम करेगा। जातिगत दंगों का जो सहरा बंधेगा वो आदित्यनाथ जोगी पे बंधेगा और किसी पे नहीं। और बहुत खराब है, जिस तरीके से इनके समाज के लोग अत्याचार कर रहे हैं, लोग न्याय नहीं पा पा रहे, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे चमार समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, हर वर्ग का व्यक्ति पीड़ित है। मैं बता देना चाहता हूँ, अवगत करा देना चाहता हूँ, महोदय जी आंखें खोलिए, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपके जाति के लोग 10 मिनट में आपसे मिल लेते हैं, अपना दुखड़ा गा देते हैं, और सर्व समाज के लोग चौथे स्तंभ के चक्कर में रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती है। ये जो यहाँ पे मीडिया चल रही है, आप समझ रहे हैं, नेताओं की मीडिया है, प्रशासन की मीडिया है, व्यक्तिगत जो सर्व समाज की पीड़ा है उसको कोई उठाता नहीं है। तो ये पीड़ा हमको पूरा यकीन है कि आज इको गार्डन से जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री तक जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह जी तक जाएगी, और उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा यकीन है एक्शन लिया जाएगा, और सर्व समाज उत्तर प्रदेश में एक्शन लेने के साथ में है, क्योंकि अगर ये नहीं तो योगी जी का
योगी जी हम लोगों को नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग इसी तरीके से अपनी जाति का सपोर्ट करते रहेंगे और सर्व समाज पे अत्याचार करते रहेंगे, मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया, विपिन सिंह का नहीं हुआ, कुर्मी समाज के बच्चे को जिंदा जला दिया, ठाकुर समाज के लोगों ने जलाया, यहाँ पे देख लिया विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, वहाँ पे ठाकुर पक्ष लखीमपुर में पासी पक्ष का मुकदमा नहीं लिखा गया, घाघरा नदी किनारे पलायन कर गए, गायब हो गए, आज तक पासी समाज के बारे में नहीं बचा है। और मैं मुरादाबाद रंबल संबल रामपुर की बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पासी रहते हैं, लाखों की तादाद में रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो लखनऊ में धरना भी होगा और जरूरत पड़ेगी हम लोग संबल। इतना ही बता दे, अंत में इतना ही बोलेंगे कि आपसे ज्यादा संख्या वाले रैदास समाज के लोग थे जो चार बार यहाँ सीएम बने और उन्हीं का बनाया हुआ ये इको गार्डन है जिसपे आज हम साथी धरना दिए, और ये वही एक मोर्चा है जो आज सैकड़ों साल पहले हमारे जननायक मदारी पासी ने बनाया था और ये दोबारा रूपांतरित हुआ है। दोबारा से ये पासी समाज के युवा वृद्ध महिलाएं सारे लोग आए थे और इस बार ये एका मोर्चा जैसे जननायक मदारी पासी ने बनाया था उसमें ब्राह्मण कुर्मी यादव सारे सम्मिलित थे और आज ये कुंवर भाई ये एका मोर्चा देख के मुझे उसी ताकत का एहसास हो रहा है, जननायक मदारी पासी की याद आ रही है और वो जननायक मदारी पासी हम सबके हृदय में फिट करने का काम करेंगे और ये योद्धा जिस दिन सड़कों पे उतरेंगे, अभी तो हम संवैधानिक रूप से धरना दे रहे हैं, जब असंवैधानिक और आंदोलित हो जाएगा पाई समाज तो आपको ये खटिया बांधने का समय नहीं देगा, अभी समय है 2024 है, 27 के पहले समझ जाइए नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे चले जाओगे। इतना ही कहूंगा, आपसे ज्यादा आज सुपड़ा साफ किया इन्हीं पासियों ने, एक सीट मिली, विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिलती है और आज आपके वो चरण बंधन है, एक दिन ऐसा ना हो जाए कि आप अखिलेश यादव के चरण बंधन पे पड़े हो। ये पासी जिधर जाएगा उधर पूरा समाज डोल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ लोगों ने आज तक देखा कि हम दलित थे, लेकिन जब यादव कुर्मी ब्राह्मण अलग अलग लोधियों ने देखा कि आज ये समाज अपने महापुरुषों को जान रहा है, आज ये समाज मुरैना दुदी पासी वनकवाई लोधी सरदार पटेल की बात करने वाला हो गया है, भगत सिंह के अनुयायी हो गए, तो आज वो जान गया है कि हम पहले भी रक्षक थे, आज भी रक्षक हैं और आगे भी रक्षक रहेंगे, आज वो जुड़ने का काम कर रहे हैं और आज वो जुड़ रहे हैं और हम सब मार्शल समाज के साथी जुड़ के इस घमंडकारी जो तुम्हारे कपाल में घमंड घुस गया है छत्रियों वाला, इस घमंड को उखाड़ फेंकेंगे और 27 में तुम निकल जाओगे अपने मठ में भाई।